Good morning, students. Today we discuss first theorem. If A is contained in B, then outer measure of A is less than equal to outer measure of B. कि अगर A B में contained है, तो A का outer measure क्या होगा? Less than equal to outer measure of B. B के outer measure से less than equal to होगा. यहाँ contained नहीं आएगा क्योंकि outer measure is a real number. First case, if outer measure of B is infinity, then nothing to prove. अगर इसका outer measure infinity हो गया, फिर तो मैं कुछ prove ही नहीं करना. ठीक है, तो सेकंड कंडीशन केस हमने क्या लिया, लेट आउटर मेजर ऑफ बी इज लेस देन इनफिनिटी. अब हम आउटर मेजर की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं. बाय डेफिनेशन, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज अ काउंटेबल कलेक्शन. हम डेफिनेशन क्या थी आउटर मेजर की, जो आउटर मेजर की डेफिनेशन तो एक्चुअल में थी आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन. लेकिन हम जो डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं वो इस एप्सिलॉन की सेंस में अप्लाई करेंगे, इसलिए हमने वो एप्सिलॉन चूज किया हुआ है. For each epsilon greater than zero, there exists a countable collection of open intervals such that वो जो collection आएगी वो कैसी आएगी, b को cover करती हुई, such that outer measure of b plus epsilon is greater than summation of length of i n. Now since b is contained in union of i n, ये जो हमने collection consider की है, ये collection कैसी होनी चाहिए कि b उसमें contained हो, means वो collection b को cover करती हो. Now A is contained in B according to given condition and B is contained in union of this intervals. So A is also contained in union of AN. Now this implies if A is contained in union of IN, then outer measure of A is less than equal to summation N length of IN. ये कहाँ से आ गया आपका? अभी क्योंकि हमने क्या कहा था, outer measure of A क्या होता है? उन सब summation length के सम का infimum होता है. Infimum का मतलब क्या है? Outer measure of A less than equal to, हर एक से less than equal to हो गया ना? तो हमने फिर दोबारा से आउटर मेजर की डेफिनेशन यहाँ अप्लाई की है, लेकिन एक्चुअल इक्वल टू वाली डेफिनेशन हमने अप्लाई नहीं किया, इनफिमम वाली ही फिर से अप्लाई किया. इनफिमम है तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ ए क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन. नाउ यूजिंग इक्वेशन वन, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन क्या है आपका, लेस देन आउटर मेजर ऑफ बी प्लस एप्साइलन. नाउ एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो इज आर्बिट्रेरी. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी. नेक्स्ट थ्योरम 20 हो से नेक्स्ट क्या के लिए नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ. कि अगर हम किसी भी इंटरवल का आउटर मेजर ले लें तो वो उसकी लेंथ के इक्वल होगी. एक्चुअल में जो ये फर्स्ट यूनिट है, ये बेस है आपका, और इसमें जितनी भी थ्योरम्स यूज हो रही हैं उन सब की स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए, एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है. अब हम क्या दिखाना है कि हर इंटरवल का आउटर मेजर उसकी लेंथ है, मीन्स वो इंटरवल कैसा ही भी हो, ओपन हो, क्लोज हो, सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज हो, किसी भी टाइप का इंटरवल हो. तो फर्स्ट केस में हमने इंटरवल जो लिया है वो कैसा लिया है, क्लोज इंटरवल हमने कंसिडर किया है. ठीक है, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, I interval जो है, this is a closed interval AB, and this interval is contained in this open interval A minus epsilon B plus epsilon में contained है. अब by definition of outer measure की definition में हम क्या कहते हैं कि देख क्या exist कर जाना चाहिए, एक collection of open intervals. अब वो open intervals की जो हम collection लेते हैं, ये देखो definition. आईएन क्या लिया हमने, एक कलेक्शन ओपन इंटरवल्स की, सच दैट ए इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ आईएन. अब जो ये कलेक्शन है ओपन इंटरवल्स की, इसमें एक इंटरवल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. तो अब यहाँ इस केस में जो हमने डेफिनेशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ उस कलेक्शन में हमारा ये एक ही इंटरवल है, और ये आई हमारा एक सेट है रियल नंबर्स का. भाई इंटरवल है तो एक सेट है तो जो इसमें कंटेन्ड है. तो अब हमें यहाँ आउटर मेजर की इस पे डेफिनेशन अप्लाई करनी है, और वो डेफिनेशन जो है वो इनफिमम की डेफिनेशन लगानी है, क्योंकि आउटर मेजर क्या होता है, इनफिमम है, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू है. तो आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ समेशन नहीं आएगा क्योंकि इंटरवल सिर्फ आपका एक ही है. तो क्या आ गया, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल. और लेंथ ऑफ इंटरवल मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट डेफिनेशन ही बताई थी कि डिफरेंस ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, मींस एंड पॉइंट इसका बी प्लस एप्सिलॉन माइनस फर्स्ट एंड पॉइंट जो है ए माइनस एप्सिलॉन. तो ये क्या आ गया, बी माइनस ए प्लस टू एप्सिलॉन. सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इज आर्बिट्रेरी, तो जब एप्सिलॉन को हटाओगे तो क्या आ गया, आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए, और बी माइनस ए क्या है आपका, लेंथ ऑफ इंटरवल आई है. ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ आई, मीन्स लेकिन हमें तो क्या दिखाना है, इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल आई दिखाना है. तो इसके लिए हम रिवर्स इनक्वालिटी अब हमें प्रूव करनी है. तो नाउ टू प्रूव आउटर मेजर ऑफ
I is greater than equal to B minus A, या फिर हम कहते हैं greater than equal to length of I, उसके लिए हमने क्या consider किया? Let I n be a countable collection of open intervals covering I. एक हमने countable collection ले ली open intervals की, जो I को cover करती है. Then it is sufficient to prove. तो हमें क्या दिखाना sufficient रहेगा? कि summation of length of I n is greater than equal to B minus A. कि जो भी हमने ये collection consider की है open intervals की, इनकी लेंथ का सम जो है वो क्या हो जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए. अगर ये सम ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए आपका हो जाएगा तो उन सबका इनफिमम जो होगा वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए, है ना. क्योंकि अगर ये रिजल्ट तो हर कलेक्शन के लिए होल्ड करेगा और जब इनफिमम आ गया तो इनफिमम ही क्या होता है? हमारा आउटर मेजर ऑफ आई. यही हमारे आउटर मेजर की डेफिनेशन है. तो हमें ये प्रूव करना है. हम ये प्रूव करने के लिए हमने क्या लिखा, देखो आगे. अगेन सिंस इंटरवल आई इज क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, आप देख रहे हो इंटरवल आई जो है वो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड इंटरवल भी है. सो बाय हैनीबोरल थ्योरम, हैनीबोरल थ्योरम हमें क्या कहती है? वी कैन सिलेक्ट फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स फ्रॉम कलेक्शन आई एन सच दैट देयर यूनियन कंटेन्स आई. हैनीबोरल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास काउंटेबल यूनियन थी, काउंटेबल कलेक्शन थी इंटरवल्स आई एन की जो आई को कवर कर रही थी, उसमें से हम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो अब भी आई को कवर करेंगे. और जो वो इंटरवल्स आए, वो जरूरी तो नहीं ना सीक्वेंस में आई वन आई टू आई थ्री आए, हो सकता है वो पहला इंटरवल आई वन हो, फिर आई फाइव हो, आई सेवन हो, आई टेन हो, कि उन सब की जो अप टू सोन जो भी आ रहे हो, कि उन सब की कलेक्शन जो है आई को कवर करती हो. तो अब नंबरिंग को सीक्वेंस में देने के लिए हमने जो भी वो इंटरवल्स आ रहे हैं जिनकी यूनियन आई को कवर कर रही है, उन इंटरवल्स को हमने जे वन जे टू अप टू सोन जे पी से डिनोट कर दिया. अब यहाँ सिर्फ बात क्या है कि जो हम काउंटेबल कलेक्शन से डील कर रहे थे वो अब हमें यहाँ इनफाइनाइट इंटरवल से बात करनी है, से डील करना है अब हमें, ठीक है. देन इट इज सफिशियंट टू प्रूव समेशन ऑफ लेंथ ऑफ जे आई इन, अब हमें उस आई से मतलब नहीं है, उन आई इंटरवल से जो काउंटेबल इंटरवल्स थे, अब हमें इनफाइनाइट इंटरवल्स के बारे में बात करनी है. तो समेशन ऑफ लेंथ ऑफ जे आई वेयर आई वेरिंग फ्रॉम वन टू पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए. तो अगर हम ये प्रूव कर दें तो भी हमारे लिए सफिशियंट है, क्योंकि जो ये कलेक्शन है इंटरवल्स की ये आई को कवर कर रही है. नाउ ए बिलोंग्स टू आई, हमारा जो इंटरवल आई था वो क्या था? ए बी इंटरवल था, क्लोज इंटरवल, तो ए आई से बिलोंग कर रहा है, ए आई से बिलोंग कर रहा है. देन देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल, किससे बिलोंग करेगा ये इंटरवल? मीन्स इन में से कोई ना कोई एक इंटरवल होगा, जे वन जे टू अप टू सेवन जे पी में से, सच दैट ए बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. अब मैं कह रही हूँ कि जो ये हमारे पास इंटरवल्स हैं जे वन जे टू जे पी, इनकी यूनियन जो है वो आई को कवर कर रही है. तो अब आई का जो फर्स्ट पॉइंट है ए, वो किसी ना किसी इंटरवल में तो जाएगा ही. वो से किस इंटरवल में चला गया? ए वन बी वन इंटरवल में चला गया. तो इसका मतलब ए वन बी वन इंटरवल तो ओपन इंटरवल है, तो मीन्स अब वो ए वन या बी वन तो हो नहीं सकता, मीन्स उनके बीच में ही होगा. बीच में होने का मतलब ए वन इज लेस देन ए लेस देन बी वन. नाउ इफ बी वन इज लेस देन इक्वल टू बी, जो हमने ये बी वन चूज किया, ये लिया हुआ है जो ये इंटरवल, अगर ये बी वन बी के ही इक्वल हो गया, ठीक है, या फिर उससे क्या हुआ लेस हुआ, तब तो ये बी वन भी क्या कर जाएगा? आई से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि आई इंटरवल क्या था हमारा? क्लोज इंटरवल ए बी था. और अगर बी वन बी के इक्वल या उससे लेस हुआ तो बी वन भी आई का मेंबर बन गया. सो वी कैन फाइंड अनदर ओपन इंटरवल ए टू बी टू फ्रॉम फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स सच दैट, कि हम कैसा इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस बी वन को कंटेन करेगा? उस इंटरवल को हमने किससे डिनोट कर दिया? ए टू बी टू से, ठीक है. कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन. जो ये रिलेशन था ए टू लेस देन बी वन लेस देन बी टू, इसको हमने जनरलाइज कर दिया, ए आई लेस देन बी आई माइनस वन लेस देन बी आई, वेयर आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन. सिंस द कलेक्शन इज फाइनाइट द प्रोसेस मस्ट स्टॉप विद एन ओपन इंटरवल ए एन बी एन सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन. क्योंकि जो हमने ये कलेक्शन ली हुई है जे वन जे टू अप टू सो ऑन जे एन जे पी, ये कलेक्शन हमारे पास फाइनाइट इंटरवल्स की है, तो ये प्रोसेस हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद स्टॉप हो जाना चाहिए. मीन्स लास्ट इंटरवल जो आया से हम क्या आ गया, वो ए एन बी एन आ गया, ठीक है. सच दैट ए एन लेस देन बी लेस देन बी एन. देन समेशन लेंथ ऑफ आई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो काउंटेबल सम है हमारा जो हमारे आई एन इंटरवल से, वो किससे ग्रेटर होगा? जो वहां से उस कलेक्शन में से हमने कुछ फाइनाइट इंटरवल्स उठाए हैं जे वन जे टू अप टू सो ऑन जे पी, जो हमने इंटरवल्स उठाए हैं उनसे क्या रहेगा? उससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा. मीन्स लेंथ ऑफ ए वन बी वन प्लस लेंथ ऑफ ए टू बी टू अप टू सो ऑन लेंथ ऑफ ए एन बी एन. और इंटरवल की लेंथ क्या होता है? इसके एंड पॉइंट्स का डिफरेंस. इसको यहाँ हमने रिवर्स करके लिखा हुआ है. पेयरिंग देखो हमने कैसे की, बी एन प्लस बी एन
माइनस वन माइनस एन अप टू सो ऑन इस ए वन को हमने अलग रखा है. अब जितनी भी ये ब्रैकेटेड टर्म्स हैं दीज आर ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. आप यहां से देख सकते हो ऊपर से जो ये आपका बी एन माइनस वन ये जो चल रहे हैं ये आपके बी एन इज ग्रेटर देन ए एन. ऐसे जो इससे ऊपर चलेगा मीन्स जो टर्म्स आएंगे आपकी ये यहाँ से भी आप देख सकते हो एन से कि यहाँ जो ए एन है आपका ए एन इज लेस देन बी एन माइनस वन. तो बी एन माइनस वन माइनस ए एन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो. ऐसे ही सारी टर्म्स ग्रेटर देन जीरो ये जो ब्रैकेटेड टर्म्स हैं. तो इसका मतलब जो ये सम है दिस इज ग्रेटर देन बी एन माइनस ए वन. सिमिलरली बी एन इज ग्रेटर देन बी. ये बी एन जो है ग्रेटर देन बी है और ए वन जो है दिस इज लेस देन ए. ये ऊपर हमने यूज किया हुआ है ये रहा ए वन इज लेस देन ए. इनको हमने यूज किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दिस इज ग्रेटर देन बी माइनस ए. सो लेंथ ऑफ समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन इज ग्रेटर देन बी माइनस ए. सो आउटर मेजर ऑफ आई इंटरवल का जो आउटर मेजर है वो क्या होगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए. और इक्वेशन फर्स्ट और थ्री से आउटर मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू बी माइनस ए दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल आई. सेकेंड जनरल केस देखो लेट आई बी एनी बाउंडेड इंटरवल विद एंड पॉइंट्स ए एंड पी. अभी तक हमने आई जो इंटरवल लिया था वो बाउंडेड भी लिया था और क्लोज्ड भी लिया था. अब जो हम ये इंटरवल ले रहे हैं बाउंडेड इंटरवल ले रहे हैं क्लोज नहीं लिख रहे हैं विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी. ठीक है देन फॉर ईच इंटरवल बाउंडेड होना चाहिए एंड पॉइंट्स उसके बाउंडेड इंटरवल है जिसके एंड पॉइंट्स क्या है ए बी. अब वो एंड पॉइंट्स ए बी हैं वो क्लोज नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है वो ओपन हो ऐसा भी हो सकता है एक साइड से ओपन हो और एक तरफ से वो क्लोज हो. देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो दिस इंटरवल इज कंटेन्ड इन आई. क्योंकि आई इंटरवल जो है वो ओपन इंटरवल भी हो सकता है ए बी या ए पे ओपन बी पे क्लोज या ए पे क्लोज बी पे ओपन. तो ये इंटरवल ए प्लस एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन आई एंड आई इज फर्दर कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल ए बी. So outer measure of this interval हमने result किया था if a is contained in b then outer measure of a is less than equal to outer measure of b. So result का use करते हुए outer measure of this interval is less than equal to outer measure of i is less than equal to outer measure of closed interval a b. अब हम result prove कर चुके हैं कि अगर interval closed interval है तो उसका outer measure उसकी length होगा. तो यहाँ इसके लिए क्योंकि ये interval closed interval है हमने यह result use कर दिया outer measure of this interval is its length. Now this is less than equal to यहाँ हमने length नहीं रखना है outer measure of i क्योंकि ये चीज़ तो हमें prove ही करनी है क्योंकि यहाँ interval i जो है वो आपका closed boundary interval नहीं है वो interval कुछ कैसा ही भी हो सकता है आपका. That's why here we are not putting here length of i. This is less than equal to length of a b. Length of interval is difference of its endpoints. Value रख दी हमने तो ये हमारे पास ये value आ गई. Epsilon को हटाते हैं since epsilon greater than zero is arbitrary. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया b माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू b माइनस ए. सो आउटर मेजर ऑफ i इज इक्वल टू b माइनस ए विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल i. अनदर केस अब हमारे सारे केस कवर हो चुके हैं कि जब इंटरवल हमारा बाउंडेड हो फाइनाइट बाउंडेड है. बाउंडेड का मतलब वो इंटरवल फाइनाइट तो हो गया मींस उसके एंड पॉइंट इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी नहीं है बाउंडेड. अब हम क्या कह रहे हैं कि इंटरवल कैसा है हमारा अनबाउंडेड इंटरवल है. देन फॉर ईच रियल नंबर r ग्रेटर देन जीरो we can find a bounded interval j contained in i such that length of j is greater than r. वो क्या कह रहा है कि अगर i आपका unbounded interval है तो हर real number r के लिए हम एक bounded interval find out कर सकते हैं जो उस i में contained हो such that कि length of j की उस interval की length जो है वो क्या हो जाए greater than r हो जाए. से जो मैंने इंटरवल अनबाउंडेड इंटरवल लिया वो अनबाउंडेड इंटरवल मेरा टू टू इन्फिनिटी इंटरवल ले लिया मैंने. अब मैं क्या कह रही हूँ मैंने एक रियल नंबर चूज किया 100 से. अब मैं क्या कह रही हूँ मैं एक बाउंडेड इंटरवल ऐसा फाइंड आउट कर सकती हूँ जिसकी लेंथ उस आर से ग्रेटर हो. से मैंने इंटरवल ले लिया 300 to 500. अब इसकी जो लेंथ आएगी इसकी लेंथ क्या है ग्रेटर देन 100 आएगी है ना. ऐसे हर रियल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग हम एक बाउंडेड इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी लेंथ आर से ग्रेटर हो. सिंस जे इज कंटेन्ड इन I, क्योंकि j जो हमने इंटरवल लेना है वो कैसा लेना है जो i में कंटेंट हो. तो आउटर मेजर ऑफ j क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ i. और j कैसा है हमारा बाउंडेड इंटरवल है और बाउंडेड इंटरवल के लिए हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि आउटर मेजर ऑफ इंटरवल इज इट्स लेंथ होता है. तो लेंथ ऑफ j इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ i. सो आउटर मेजर ऑफ i इज ग्रेटर देन r बिकॉज लेंथ ऑफ j क्या है आपके ग्रेटर देन r है. तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि i जो हमारा अनबाउंडेड इंटरवल था हम कोई भी रियल नंबर चूज कर लें उसकी लेंथ हमेशा उससे क्या रहेगी ग्रेटर रहेगी. किसी ने 100 चूज किया किसी ने 1000 चूज किया किसी ने 1 lakh चूज किया किसी ने 1 crore चूज कर लिया उससे भी ग्रेटर है. तो इसका मतलब ये रिजल्ट हर रियल नंबर के लिए होल्ड कर रहे हैं. तो इसका मतलब आई की जो आउटर मेजर आई जो इंटरवल है उसका आउटर मेजर क्या रहेगा इन्फिनिटी हो जाएगा. इन्फिनिटी होने का मतलब दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल आई.
क्योंकि जो इंटरवल मैंने कहा था अनबाउंडेड इंटरवल है, से वो हमने 2 टू इन्फिनिटी इंटरवल लिया था, तो उसकी लेंथ क्या होगी, इन्फिनिटी माइनस 2 मीन्स इन्फिनिटी। अब कोई भी अनबाउंडेड इंटरवल लेके देख लो, हर अनबाउंडेड इंटरवल की लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो आउटर मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि हर केस में कि इंटरवल आपका बाउंडेड हो, बाउंडेड के साथ साथ मतलब वो क्लोज्ड हो या ओपन हो या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हो या अनबाउंडेड हो, कैसा भी इंटरवल हो, उसका आउटर मेजर इंटरवल का हमेशा उसकी लेंथ के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम।